आगामी लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही उत्तराखंड की राजनीति गर्माती जा रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इन दिनों कई मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहवा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहवा का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने आज तक भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया है, जिसके चलते बीजेपी अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदल देगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी करण माहवा के सवालों का जवाब देने से पीछे नहीं हटे। उनका कहना है कि जब कोई इतना बड़ा दल बिना तथ्यों के बात करता है तो इसका मतलब है कि वो मुद्दाहीन है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस समय देश के संविधान को भारी खतरा है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ही इस बात को कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में 400 का संख्या पार करते ही हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे, और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस समय देश को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक मैपिंग की भी आवश्यकता इस समय आ रही है, क्योंकि हमारे नीति निर्धारक जो कांग्रेस के विचारक हैं उनका ये मानना है कि देश के 99.50% से ज्यादा लोग भागीदारी में पीछे हैं।